कुरुक्षेत्र की धरती पर कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे और बच्चे शिक्षा में सही मार्गदर्शन से देश के अच्छे नागरिक बने, जीवन में उन्नति कर सर्वोच्च पद पर पहुंचे, इसी भावना से नगर की सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। कुरुक्षेत्र के ग्रामीण एवं स्लम एरिया में शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से समर्थ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। गाँव खेड़ी ब्राह्मणा में समर्थ भारत केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जगह उपलब्ध कराई गई। केंद्र में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के साथ विधिवत शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए प्रेरणा संस्था के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने कहा कि जो बच्चे परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई से वंचित अथवा अच्छे अंकों से वंचित रहते हैं, उनके लिए इस केंद्र के खुलने से सुनहरा मौका है। बच्चों के अभिभावकों में जोश है। गाँव की सरपंच सपना ने भी गाँव के शिक्षा से वंचित बच्चों का सपना पूरा करने का प्रयास किया है। संगीता कुमारी सिंह ने ही ऐसे बच्चों को पढ़ाने एवं सर्वगणनीय प्रयास का बीड़ा उठाया है। ऐसे बच्चों का भविष्य निश्चित ही सुंदर होगा। डॉक्टर रामेंद्र सिंह ने कहा कि समर्थ भारत अभियान के अंतर्गत गांव खेड़ी ब्राह्मणा में समर्थ भारत केंद्र की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के प्रयासों से बच्चे अच्छे स्कूल में तो अवश्य जाते हैं, परंतु उन्हें अच्छी श्रेणी की शिक्षा हासिल नहीं होती। इस केंद्र के माध्यम से बच्चों को बिना किसी भेदभाव के अच्छी शिक्षा एवं देश का अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास है। संगीता कुमारी सिंह ने कहा कि यह अभियान उनके जीवन की पूंजी है। इन बच्चों को पढ़ाने से जो आत्म शांति मिलती है वह कहीं नहीं मिलती। गांव की महिला कविता ने ही केंद्र खोलने के प्रयास में सहयोग किया है। देश के भविष्य को पढ़ाई में बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। गांव के मान सिंह ने केंद्र खोलने की सराहना की और कहा, हर बच्चा पढ़े ऐसी ही भावना है। आज हमारे लिए ना बड़े हर्ष की बात है कि वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि हम माँ बाप के गरीब होने की वजह से नहीं पढ़ पाएंगे या अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे या हमारा जो भविष्य है वो अच्छा नहीं बन पाएगा, उनके लिए एक सुनहरी मौका है। और सारे बच्चे आपने देखा होगा कितनी उमंग है बच्चों में, कितना जोश है, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। और पेरेंट्स की मैं एक महिला की बात बताना चाहूँगा, कविता हैं, उन्होंने ये पेन ली कि मेरी लड़की को मैंने आगे पढ़ाना है और उसको किसी न किसी सीनियर पोस्ट पर पहुँचाना है, चाहे आई ए एस बने चाहे आई पी एस बने। बच्ची भी टैलेंटेड है, मदर भी, उन्होंने प्रयास किया। और गाँव की सरपंच जो है ना मैडम सपना है, उन्होंने इनका सपना पूरा किया और कहा कि आप आंगनबाड़ी में अपना ये शुरू करो। और मैडम संगीता कुमारी सिंह हैं, वो जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में एनआईटी में, के सिंह उनकी वाइफ हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं खुद इन बच्चों को पढ़ाऊंगी और इनका बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। कोई भी कमी इन बच्चों में ऐसी नहीं रहेगी जो पब्लिक स्कूल के बच्चों में और हमारे बच्चों में ना हो, उनका ये सपना है। और मैं भी उनके सपने में भागीदार हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे इतने अच्छी श्रेणी में पास हों, इतने नाम कमाएं, भारत का जो उद्धार है, भारत को समर्थ बनाएं। समर्थ, इनका नाम भी समर्थ भारत केंद्र है, बच्चे समर्थ हों और हमारा देश भी समर्थ बने। इस भावना के साथ हमने इसकी ओपनिंग की आज। और मैं दावे से कहता हूँ कि किसी बच्चे में प्रतिभा की कमी नहीं होती, केवल कमी होती है उसको निखारने की। आज इनको, इन्हें भाग्यशाली बच्चे, इनको मौका मिला मैडम संगीता सिंह जैसी और रजनी जैसी और दूसरी लड़कियां उनको पढ़ाने के लिए आई हैं। और ये मैडम संगीता को देखिए, एसी की हवा छोड़ के गर्मी की दोपहर में आके यहाँ पढ़ा रही हैं। अंदाज़ा लगाइए इन बच्चों का भविष्य सुंदर क्यों नहीं होगा। मैं डॉक्टर रविंद्र जी का भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने संरक्षक के रूप में हमारी संस्थाओं को अपना बरदस्त दिया है। और आने वाले समय आप देखें कि ये जो संस्था हमारी बहुत तरक्की करेगी। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। ये अभियान है ना मेरे जीवन के एक पूंजी समझिए इसको, मैं पूंजी कह सकती हूँ कि मुझे इन बच्चों को पढ़ा के जो आत्मिक सुख मिलता है शायद वो मुझे कहीं नहीं मिलता। और इसको खोलने की सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हमारी एक ये साथी सहयोगी हैं, कविता मैडम। इनको अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता थी कि बेटी के पढ़ाई में बाधा ना पहुँचे, इतना सपोर्ट नहीं कर सकती हैं फाइनेंशियली, तो इन्होंने हमें अप्रोच किया। मैं तैयार हो गई, हम सरपंच से मिले, सरपंच जी ने भी काफ़ी हमें ये किया और अपना ये आंगनबाड़ी दे दिया पढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों में प्रतिभा तो है, हाँ, हम इस प्रतिभा को निखारने में इनकी मदद करें। और विरोधाभास जो है ना कि सरकारी स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के, पब्लिक स्कूल के बच्चे और शहर और गाँव में, ये विरोधाभास ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये कुछ नहीं है, बस इनको निखारने की ज़रूरत है।
और इनमें इन्हीं में से बच्चे आने वाले समय में बड़े अधिकारी बन सकते हैं। बड़े अधिकारी बनेंगे, हमारे देश का भविष्य है, इन भविष्य को हम छोड़ नहीं सकते ना, हम इन भविष्य को निखारेंगे, बाहर निकालेंगे और ये करेंगे क्योंकि इनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ये देश का भविष्य बने, कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही ना बने, ये भी बने, और इनके उदाहरण तो ये कविता है। ठीक है, हमारे गाँव के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें, इस दृष्टि से आज जो समर्थ भारत अभियान का एक केंद्र यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, जिसे समर्थ शिक्षा केंद्र नाम दिया गया है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम प्रायः देखते हैं कि बच्चे विद्यालयों में जाते हैं, अच्छे से अच्छे विद्यालयों में प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। वह इस बात को प्रवेश कराते समय नहीं सोच पाता है कि हम जिस विद्यालय में बच्चे को डाल रहे हैं वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है। ये जरूर दिखता है कि विद्यालय का भवन अच्छा है, विद्यालय के शिक्षक अच्छे हैं और विद्यालय की बसेज अच्छी हैं, इस नाते देख करके बच्चे को लोग प्रवेश दिलाते हैं। परंतु कुछ समय बाद जब पढ़ करके परीक्षाओं का समय आता है तो ध्यान में आता है कि बच्चे को जितना पाठ्यक्रम पूर्ण करके और जिस तरह से शिक्षा अध्ययन प्राप्त करना चाहिए था वो किसी कारण से प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये जो केंद्र खुल रहा है, इस केंद्र का ये है कि समाज के बिना किसी भेदभाव के हर प्रकार के बच्चे समरस होकर के एक स्थान पर बैठ करके उनका जो विद्यालय में दिया गया गृह कार्य है उस कार्य को पूर्ण कर सकें, उनको जिन विषयों में कठिनाई आ रही है उन विषयों में अच्छे कुशल शिक्षकों की देख रेख में वे अपने विषय का अध्ययन ठीक तरह से कर सकें, जिससे कि वे अपने अपने विद्यालय में अच्छे अंक लाएँ, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएँ और आगे बढ़ करके एक अच्छे नागरिक बनकर इस देश का विकास कर सकें। इस दृष्टि से समर्थ भारत के निर्माण में यह जो केंद्र है एक बहुत नींव का पत्थर साबित होगा। मैं इस दृष्टि से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और इसके लिए डॉक्टर ए के सिंह जी, हमारे जय भगवान सिंगला जी, इन सब लोगों ने, ये सब समाज सेवी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में संस्कारों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से समाज के उन्नयन के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। ये बहुत ही पावन कार्य है और ईश्वर इनको और शक्ति प्रदान करे। इस प्रकार के केंद्र कुरुक्षेत्र ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी खुलें, ऐसी मेरी कामना है।